हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ एक ऐसी रेमेडी जो आपकी स्किन को एकदम टाइट कर देगी, इवन आपके पोर्स को एकदम टाइट कर देगा। एंड ये बेस्ट रेमेडी है फॉर एंटी एजिंग। जिनके स्किन पे बहुत रिंकल्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो रिंकल्स और एंटी एजिंग बहुत अच्छे से टाइट कर देगा। इवन आप इसे लगाने के बाद आपकी स्किन थोड़ी ग्लो करेगी एंड आपकी स्किन थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको फटाफट ये रेमेडी बता देती हूँ, ठीक है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप एक राइस ले लीजिए। आपको जितना आप अपने डेली में कुक करते हैं उतना अपने हिसाब से अभी राइस ले लीजिए। उसे अच्छे से वॉश कर लीजिए, फिर उसके अंदर पानी डाल के आप एटलीस्ट 1 आवर तक उसे रख दीजिए। फिर उसके बाद आप उसे पकाना स्टार्ट कर दें। जब आप देखें कि हाँ पानी थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है राइस के अंदर का, फिर आप उसे एक बाउल में एक छन्नी के जिसे आप चाय छानते हैं उसी के थ्रू आप इसे चावल का पानी उसके अंदर निकाल लें, बाउल के अंदर। जैसे कि आप देख रहे हैं मैं निकाल रही हूँ, आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा थिक हो गया है। फ्रेंड्स, ये राइस वाटर को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी एटलीस्ट 2 आवर्स तक। उसके बाद मैंने इसे निकाल लिया है। 2 घंटे बाद आप देखेंगे ये पेस्ट कितना गाढ़ा हो गया है। अब मैं अपने बालों को हेयरबैंड से ऊपर कर ले रही हूँ। एक कॉटन बॉल के हेल्प से इस राइस वाटर को पेस्ट को अपने फेस के ऊपर अच्छे से लगा ले रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं राइस बहुत हेल्प करता है आपके स्किन को, पोर्स को, रिंकल्स को टाइट करने के लिए। इवन ये आपके स्किन के अंदर ब्राइटनेस लेके आएगा, इवन ग्लो लेके आएगा। एंड इसे अपने नेक पे लगाना बिल्कुल ना भूले, आपके नेक के अंदर भी ये टाइटनेस लेके आएगा। सो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा रेमेडी कैसा लगा? इसे आपको सिर्फ 20 मिनट्स रखना है अपने फेस के ऊपर। उसके बाद अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए। और इसे लगाने के बाद कोई भी सोप या फेस वॉश मत यूज़ कीजिए। इस रेमेडी को आपको सिर्फ हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। आप खुद ही देखेंगे विद इन मंथ आपकी स्किन के अंदर कितनी इम्प्रूवमेंट आती है। आपकी स्किन टाइट हो जाएगी, आपके पोर्स टाइट हो जाएंगे, आपके फेस के ऊपर ग्लो आएगा। एंड अगर आपको ये लगाने के बाद कोई भी फायदा नज़र आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइए। अगर ये रेमेडी आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।